सर, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं सूरज टेक्निकल। आज मेरे पास दोस्तों एक सेट आया है, ये सेट है रेडमी नोट 9 का सेट है। देखिए इसमें जो है लॉक लग चुका है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको जो हार्ड रीसेट है वो किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, किसे कैसे करेंगे। इजी मेथड है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सिंपली फ़ोन को हम ऑफ कर देंगे। चलिए ऑफ हो गया है। अब वॉल्यूम अप का जो बटन है और पावर की एक साथ प्रेस कर देंगे। तो देखिए फ़ोन हमारा चालू हो चुका है, अब इसको छोड़ देते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है आ चुका है, तो मैं वाइप डाटा पे करता हूँ। चलिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियरिटी अच्छे से नहीं आ रहा है, तो इसी को तो चलिए यहाँ पे कर दिया मैंने। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ऊपर लिखा है, चलो ऊपर में करते हैं, नीचे लाके इसको कंफर्म कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो हार्ड रीसेट है वो वाइप डाटा यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। चलिए अब मैं इसको रिबूट कर देता हूँ। तो हार्ड रीसेट का जो मेथड है दोस्तों, वो ये बिल्कुल इजी है। अब मैं नोट 9 का जो है इसका FRP के ऊपर भी एक वीडियो मैं लाऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि विदाउट PC के कैसे इसका FRP को रिमूव करूँगा। तो गाइस देखिए, जो हमारा हार्ड रीसेट है वो बिल्कुल ही मतलब क्लियर तरीके से हो चुका है। चलिए देख लेते हैं इसमें FRP है कि नहीं है। अगर FRP होगा दोस्तों, तो उसके लिए अलग वीडियो मैं इसके ऊपर लाऊंगा। तो इस मेथड से आप सिंपली जो है आप इस मेथड से क्या कर सकते हैं, इसका जो स्क्रीन लॉक है उसको हटा सकते हैं। तो गाइस देखिए, आप इसकी ऑप्शन दे चुका है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगेगा।